माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग टॉपिक ओ जेनेसिस पे हैं। ये आपके सामने बोर्ड पे इंटायर ओ जेनेसिस लिख रखा है मैंने। चलिए ओ जेनेसिस हम टॉपिक स्टार्ट करते डिस्कस करते हैं। आप सबसे पहले याद रखिए, ये जो प्रोसेस ओ जेनेसिस है ये फीमेल फीटस में प्रीनैटल लाइफ में ही स्टार्ट हो जाता है। जो टोटल 38 वीक्स का प्रीनैटल लाइफ है उसमें 25th वीक से ओ जेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। आप एक बार स्टेप वाइज स्टेप देख ले बोर्ड पे जो मैंने लिख रखा है। तो कुछ प्रोसेसेस होती हैं प्रीनैटल लाइफ में ओ जेनेसिस की और कुछ प्रोसेसेस फर्दर बर्थ के बाद होती हैं। तो कहाँ से कहाँ तक प्रोसेस बर्थ से पहले हो जाती है ओ जेनेसिस की और कौन कौन सी प्रोसेसेस बर्थ के बाद होती हैं, हम सब ये इंटायर प्रोसेस वन बाय वन डिटेल डिस्कस करते हैं। तो आप ये देखिए, ओजेनेसिस प्राइमोर्डियल जर्म सेल से स्टार्ट होता है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम जो ओवेरियन वॉल में पाया जाता है उसके सेल्स हैं ये। और प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स माइटोटिकली डिवाइड करते हैं जिससे इनके प्रोडक्ट बनते हैं ओगोनिया, मतलब एक मदर सेल्स। आप जानते हैं माइटोसिस को हम मल्टीप्लीकेशन फेज भी कहते हैं। फिर ओगोनिया आगे फर्दर ग्रोथ प्रोसेस को जाता है। ओगोनिया में ग्रोथ प्रोसेसेस स्टार्ट होती हैं, न्यूट्रिशनल डिमांड पूरा होता है ओगोनिया का। और फिर ओगोनिया साइज में बड़ा हो करके प्राइमरी ओसाइट कहलाता है। तो साथ में मैंने एवरी सेल्स की प्लॉयडी लिख रखी है, वो भी आपको ध्यान रखना है। प्राइमरी ओसाइट्स तक ओजेनेसिस प्रोसेस बर्थ के पहले ही कंप्लीट हो जाता है। मतलब प्राइमरी ओसाइट्स एक फीमेल इंडिविजुअल के बर्थ के पहले ही उसके ओवरीज में बन जाते हैं। यहाँ पे गौर करने वाली बात है, प्राइमरी ओसाइट्स का क्या नंबर मैंने पर ओवरी लिख रखा है, क्योंकि आप जानते हो ओवरीज वन पेयर सेक्स ऑर्गन्स हैं। तो पर ओवरी प्राइमरी ओसाइट का जो इनिशियल नंबर होता है आप देख रहे हैं 7 मिलियन, और बर्थ तक आते आते इनका नंबर रिड्यूस हो करके 2 मिलियन बच जाता है। मतलब 5 मिलियन प्राइमरी ओसाइट्स डिजेनरेट हो जाते हैं। अब उसके बाद याद रखिए डिजेनरेशन प्रोसेस कंटिन्यूड रहता है और प्यूबर्टल लाइफ आते आते पर ओवरी प्राइमरी ओसाइट्स का नंबर 60 to 80,000 ही बच जाता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, प्राइमरी ओसाइट्स जो हैं एक मास नंबर में क्यों डिजेनरेट होते हैं, क्यों डैमेज होते हैं, तो याद रखिए प्राइमरी ओसाइट्स का फर्दर जो सर्वाइवल है वो FSH हार्मोन पे डिपेंड है जो पिट्यूटरी का सेक्रेशन है। आप याद रखिए प्राइमरी ओसाइट्स जब बनते हैं तो प्राइमरी ओसाइट्स ग्रोथ फेज से बनते हैं और फर्दर उनमें मियोसिस वन स्टार्ट होता है। तो मियोसिस वन प्राइमरी ओसाइट में स्टार्ट होता है। ये मियोसिस वन डिविजनल प्रोसेस प्रोफेज वन के डिप्लोटीन स्टेज में आके हॉल्ट हो जाता है। आप ध्यान रखेंगे मियोसिस वन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, ये प्रोफेज वन के डिप्लोटीन स्टेज में आके हॉल्ट करता है। अब याद रखिए फर्दर आगे प्रोसेस मियोसिस वन के रिमेनिंग प्रोसेसेस कंप्लीट हों या वो प्रोसेसेस स्टार्ट हों इसके लिए प्राइमरी ओसाइट गुड अमाउंट ऑफ FSH पे डिपेंड है। जैसा कि मैंने लिख रखा है कि मियोसिस वन की डिपेंडेंसी है ऑन गुड लेवल ऑफ FSH। आप यहाँ पे याद रखिए प्राइमरी ओसाइट के साथ एक फीमेल इंडिविजुअल का बर्थ होता है। एक फीमेल इंडिविजुअल का जब बर्थ होता है तो उसके ओवरीज में प्राइमरी ओसाइट्स बन चुके होते हैं और उनमें मियोसिस वन स्टार्ट हो चुका होता है। मियोसिस वन डिप्लोटीन स्टेज में आके रुका हुआ है और फर्दर आगे के जो रिमेनिंग प्रोसेसेस हैं मियोसिस वन के वो डिमांड कर रहे हैं सफिशियंट गुड अमाउंट ऑफ FSH। लेकिन जब फीमेल का बर्थ होता है तो आपको याद होगा एक एंडोक्राइन ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड का एक हार्मोनल सिक्रेशन है मेलाटोनिन, और मेलाटोनिन FSH सिक्रेशन को सप्रेस करता है, इनहिबिट करता है। तो जब तक पीनियल ग्लैंड का एग्जिस्टेंस है
तब तक मेलाटोनिन का सिक्रेशन है, और जब तक मेलाटोनिन का सिक्रेशन है एफएसएच का लेवल लो रहेगा, और एफएसएच का लेवल लो रहेगा, डाउन रहेगा, तो फिर मियोसिस वन की जो रिमेनिंग प्रोसेसेस हैं वो रुकी हुई रहेंगी। अब याद रखिए, जब प्राइमरी ओसाइट में मियोसिस वन होल्ड कर जाता है, रुक जाता है, तो फिर से प्राइमरी ओसाइट से फर्दर सर्वाइवल के लिए रिटर्न होते हैं ग्रोथ फेज में। मियोसिस वन के रुकने के बाद प्राइमरी ओसाइट्स रिटर्न बैक आते हैं ग्रोथ फेज में, और ताकि वो लॉन्ग लाइफ सर्वाइव कर सके। लेकिन ऐसा सारे प्राइमरी ओसाइट्स सक्सेसफुली नहीं कर पाते, तो जो प्राइमरी ओसाइट्स सक्सेसफुली ग्रोथ फेज में रिटर्न आ पाएंगे वो फर्दर सर्वाइव करेंगे, जो प्राइमरी ओसाइट्स नहीं रिटर्न आ पाएंगे तो उनका डिजेनरेशन हो जाता है। तो ये याद रखेंगे आप कि प्राइमरी ओसाइट्स मास नंबर में, गुड नंबर में क्यों डिजेनरेट होते हैं, क्योंकि प्राइमरी ओसाइट्स सक्सेसफुली मियोसिस वन के हॉल्ट होने पे ग्रोथ फेज में रिटर्न नहीं हो पाते। तो अब आगे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मियोसिस वन के कंप्लीशन के लिए एफएसएच की रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो। फिर याद रखिए, ये पीनियल ग्लैंड 12-13 इयर्स के अराउंड डिजेनरेट हो जाता है, तो फर्दर मेलाटोनिन का सिक्रेशन नहीं होता, यानी एफएसएच को इनहिबिट करके रखने वाला जो एक केमिकल एजेंट है वो अनअवेलेबल हो जाता है। तो इसके अनअवेलेबल होने से एफएसएच का धीरे धीरे लेवल राइज करेगा, और फीमेल में मीनार्क यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो एफएसएच का सफिशिएंट लेवल किस एज में अचीव हो पाएगा, तो जब फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, इस साइकिल के बिगनिंग को हम मीनार्क कहते हैं, जो इस एज के आसपास होता है, तो इस एज में एफएसएच का लेवल फर्दर सफिशिएंट अवेलेबल हो जाता है। यानी मियोसिस वन कब कंप्लीट होगा, तो मियोसिस वन कंप्लीट होगा प्यूबर्टी, जब फीमेल इंडिविजुअल में आ जाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल इनिशिएट हो जाएगा, मीनार्क आ जाएगा, तो मियोसिस वन आगे कंप्लीट होता है। अब यहाँ भी याद रखिए कि प्यूबर्टी आते आते कितने प्राइमरी ओसाइट्स होते हैं पर ओवरी, तो 60,000 to 80,000। अब सवाल है कि इतने सारे प्राइमरी ओसाइट्स क्या एक साथ मियोसिस वन प्रोसेस, रिमेनिंग प्रोसेसेस को एक साथ कंप्लीट करेंगे, तो नहीं। प्राइमरी ओसाइट्स के पास एफएसएच रिसेप्टर्स होते हैं, तो जिस प्राइमरी ओसाइट आउट ऑफ 60,000 to 80,000 प्राइमरी ओसाइट्स, जिस एक प्राइमरी ओसाइट के पास मैक्सिमम एफएसएच रिसेप्टर होगा, वो ब्लड सर्कुलेशन से मैक्सिमम एफएसएच रिसीव करेगा, तो वही मियोसिस वन कंप्लीट कर पाएगा। बाकी जो होंगी प्राइमरी ओसाइट्स जिनके पास मीडियम एफएसएच रिसेप्टर का नंबर मीडियम है, तो वो प्राइमरी ओसाइट्स जो होंगी वो फर्दर जो होंगी वो सर्वाइव करेंगी, वेटिंग में होंगी, ना ही वो मियोसिस वन कंप्लीट कर पाएंगे और ना ही वो डेड होंगे। और जो प्राइमरी ओसाइट्स रिलेटिवली सबसे कम, लोएस्ट नंबर में एफएसएच रिसेप्टर रखेंगी, वो प्राइमरी ओसाइट्स ना तो सर्वाइव कर पाती हैं फर्दर, ना तो उनका मियोसिस वन होल्ड हो पाता है, ना वो फर्दर सर्वाइव कर पाती हैं, और ना ही वो फर्दर आगे चल करके अपनी मियोसिस वन को कंप्लीट कर पाती है। मतलब जो लोएस्ट नंबर में एफएसएच रिसेप्टर रखते हैं प्राइमरी ओसाइट्स, वो डिजेनरेट हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। यानी प्राइमरी ओसाइट का जो डिजेनरेशन प्रोसेस है वो कंटिन्यूड रहता है प्यूबर्टल लाइफ के बाद भी। कुछ प्राइमरी ओसाइट्स सर्वाइव करती हैं फर्दर, कुछ प्राइमरी ओसाइट्स मियोसिस वन कंप्लीट कर पाती हैं। तो याद रखिए, प्राइमरी ओसाइट कौन सा मियोसिस वन कंप्लीट कर पाएगा, जिस प्राइमरी ओसाइट के पास मैक्सिमम एफएसएच रिसेप्टर हो। कौन सा प्राइमरी ओसाइट मियोसिस वन रुका हुआ रहेगा, प्राइमरी ओसाइट डेड नहीं होगा, ना ही उसका मियोसिस वन कंप्लीट होगा और ना ही वो डेड होगा, ऐसे कौन से प्राइमरी ओसाइट्स होंगे जिनके पास एफएसएच रिसेप्टर मीडियम नंबर में होगा, और कौन से प्राइमरी ओसाइट्स डेड हो जाएंगे जिनके पास एफएसएच रिसेप्टर सबसे कम नंबर में पाया जाएगा।
अब यहां से हम लोग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो अब आगे की जो प्रोसेसेस हैं आप नोटिस कर रहे हैं, मैंने यहां पे लिख रखा था कि प्राइमरी ओसाइट्स जो हैं वो बिफोर बर्थ बन जाती हैं, फिर प्राइमरी ओसाइट से फर्दर जो प्रोडक्ट्स हैं ये आफ्टर बर्थ बनते हैं। तो मियोसिस वन से हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपको जवाब मिल गया। मियोसिस वन का कंप्लीशन किस पे डिपेंड है? आंसर होगा गुड लेवल ऑफ FSH। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जो मियोसिस वन है उसका साइटोकाइनेसिस अनइक्वल होता है। मतलब मान लीजिए कि ये प्राइमरी ओसाइट है तो इसका जो साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होगा, वो सेंटर से ना होके सेंटर से दूर होगा। मतलब इसे हम कहते हैं अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। तो इसके जो प्रोडक्ट होंगे, एक लार्ज सेल डॉटर सेल प्रोड्यूस होगा प्राइमरी ओसाइट से और एक स्मॉल सेल। तो जो प्राइमरी ओसाइट का लार्ज डॉटर सेल है उसे हम सेकेंडरी ओसाइट कहते हैं, और जो स्मॉल प्रोडक्ट है उसे हम फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। आप याद रखिए हम सब ह्यूमन ओजेनेसिस पे हैं, तो थोड़ा सा जो कॉमन ओजेनेसिस प्रोसेस है उससे जो ह्यूमन की ओजेनेसिस प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट होती है। अब यहाँ से गौर कीजिए, सेकेंडरी ओसाइट ह्यूमन बींग्स में ये स्पर्म से फर्टिलाइज होता है। सेकेंडरी ओसाइट के पास स्पर्म रिसेप्टर्स होते हैं, यही स्पर्म से फर्टिलाइज होता है। मतलब स्पर्म के न्यूक्लियस को यही रिसीव करता है और हैप्लॉयड स्ट्रक्चर है। तो ह्यूमन बींग के केस में सेकेंडरी ओसाइट को ही एग या ओवम कंसिडर करते हैं। तो सेकेंडरी ओसाइट एक लार्ज प्रोडक्ट है प्राइमरी ओसाइट का। ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं ये सेम साइज के नहीं हैं। इसका क्या एडवांटेज बेनिफिट है? अनइक्वल साइटोकाइनेसिस प्राइमरी ओसाइट में होता है तो इसका क्या बेनिफिट है? तो याद रखिए कि यदि प्राइमरी ओसाइट में इक्वल साइटोकाइनेसिस होता तो इसके दोनों प्रोडक्ट में इक्वल नंबर में रिजर्व फूड डिस्ट्रीब्यूट होता। यदि मान लीजिए अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होता है तो रिजर्व फूड जो प्राइमरी ओसाइट यानी मदर सेल का है वो एक में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा और एक स्मॉल सेल में कम रिजर्व फूड डिस्ट्रीब्यूट होकर के आएगा। तो एक सेल का डॉटर सेल का लाइफ ज्यादा होगा, दूसरे डॉटर सेल का लाइफ कम होगा। तो सेकेंडरी ओसाइट जो ह्यूमन बीइंग में ओवम है, एग है, इसका लाइफ ज्यादा हो ताकि ये ज्यादा दिनों तक स्पर्म का वेट कर सके, ताकि फर्टिलाइजेशन में सर्टेनिटी ज्यादा हो, इसके लिए सेकेंडरी ओसाइट में साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम, रिजर्व फूड का कंटेंट ज्यादा होना चाहिए रिलेटिवली। और इसी पर्पस को पूरा करने के लिए प्राइमरी ओसाइट में अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होता है। अब यहां पे याद रखिए, ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है ह्यूमन बीइंग के केस में ये डिजेनरेट कर जाता है, ये फर्दर सर्वाइव नहीं करता। ओके, अब यहां से याद रखिए सेकेंडरी ओसाइट में मियोसिस टू होता है। मियोसिस टू भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, ये भी होल्ड करता है। मियोसिस टू मेटाफेज स्टेज में यानी मेटाफेज टू स्टेज में ये होल्ड कर जाता है, और फर्दर जो रिमेनिंग प्रोसेसेस हैं मियोसिस टू के उनका कंप्लीशन डिपेंड करता है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स पे, जो कि एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। आगे हम सब इसे डिस्कस करेंगे, नोट करेंगे इसको, फिलहाल आप याद रखिए। तो मियोसिस टू जो होता है इसका कंप्लीशन एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स पे डिपेंड है, और ये सेकेंडरी ओसाइट को चाहिए एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, और ये प्रोवाइड किया जाता है सेकेंडरी ओसाइट को स्पर्म के द्वारा। तो याद रखेंगे जब सेकेंडरी ओसाइट ह्यूमन बीइंग के केस में स्पर्म कंटेंट को ये रिसीव करेगा एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, तब सेकेंडरी ओसाइट में आएगा, स्पर्म में सिंथेसाइज होता है ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, और ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्पर्म से एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी ओसाइट में इंटर करता है, और जो मियोसिस टू के रिमेनिंग प्रोसेसेस हैं फिर वो कंप्लीट होते हैं। तो क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि मियोसिस टू कब कंप्लीट होता है, ऑप्शंस आते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो आपका आंसर होगा ड्यूरिंग
फ्यूजन ऑफ एस्पर्म कंटेंट विथ ओभा कंटेंट, यानी आप कह सकते हो कि जो मियोसिस टू है ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंसर नहीं करेंगे आप। क्यों? क्योंकि याद रखेंगे सेकेंडरी ओसाइट में एक तो फीमेल न्यूक्लियस होगा और एक मेल न्यूक्लियस होगा सेकेंडरी ओसाइट में। फिर जो सेकेंडरी ओसाइट का फीमेल न्यूक्लियस है वो फिर सक्सेसफुली कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होने से फीमेल न्यूक्लियस जो एक दिख रहा है वो दो हो जाएगा। तो सेकेंडरी ओसाइट में कुछ समय के लिए थ्री न्यूक्लियस होते हैं, दो फीमेल न्यूक्लियस, मान लीजिए दो फीमेल के न्यूक्लियस हैं और एक जो न्यूक्लियस होगा स्पर्म से आएगा मेल न्यूक्लियस। तो सेकेंडरी ओसाइट में कुछ समय के लिए थ्री न्यूक्लियाई होते हैं, तीनों न्यूक्लियस हैप्लोइड होते हैं, इसलिए सेकेंडरी ओसाइट की जो प्लोइडी आप लिखेंगे वो हैप्लोइड लिखेंगे। अब याद रखिए यहाँ से फिर क्या होगा कि जब मियोसिस टू कंप्लीट होगा, मियोसिस टू का भी जो साइटोकाइनेसिस है वो अनइक्वल होता है और इस तरह से एक लार्ज प्रोडक्ट होगा जिसमें दो न्यूक्लियस डिस्ट्रीब्यूट होंगे, एक मेल न्यूक्लियस और एक फीमेल न्यूक्लियस, और एक स्मॉल प्रोडक्ट होगा इसमें फीमेल न्यूक्लियस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इस तरह से याद रखेंगे सेकेंडरी ओसाइट में मियोसिस टू के कंप्लीट होने से दो प्रोडक्ट बनेंगे, लार्ज का नाम हो गया ओटिड और जो स्मॉल हो गया उसे हम सेकेंड पोलर बॉडी। सेकेंड पोलर बॉडी क्यों? चूंकि वो मियोसिस टू का प्रोडक्ट है। यहाँ फर्स्ट पोलर बॉडी क्यों? चूंकि वो मियोसिस वन का प्रोडक्ट है। तो याद रखिए ओटिड में दो न्यूक्लियाई होते हैं, एक मेल न्यूक्लियस और एक फीमेल न्यूक्लियस। अब इन दोनों को फ्यूजन से पहले प्रो न्यूक्लियस कहते हैं, ये ओटिड हो गया और ये जो हो गया ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है फीमेल न्यूक्लियस और ये प्रोडक्ट हो गया सेकेंड पोलर बॉडी। अब याद रखिए ये जो ओटिड है अब इसके बाद जब दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे और इसमें डिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, तब हम इसी स्ट्रक्चर को जाइगोट कहते हैं। तो याद रखिए फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो तब तक कंटिन्यूड माना जाता है जब तक कि मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई आपस में फ्यूज ना हो जाएं। तो याद रखिए मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई फ्यूज तो होते हैं ओटिड में, यानी जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है यानी कब फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट कब माना जाएगा। तो याद रखेंगे जब स्पर्म के अंदर मौजूद मेल न्यूक्लियस फीमेल न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाए तब हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया। तो ये तो ओटिड में होगा क्योंकि ओटिड में दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं। और मैंने पूछा कि मियोसिस टू कब कंप्लीट होगा, तो मियोसिस टू जो होता है मियोसिस टू वो मियोसिस टू कंप्लीट होगा तब ओटिड बनेगा। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि मियोसिस टू कब कंप्लीट होता है, मियोसिस टू कब कंप्लीट हो जाएगा, तो याद रखेंगे आफ्टर, आंसर होगा इसका आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म कंटेंट इन ओभम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, नॉट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो ओटिड स्टेज तक चलते रहता है। समझ में आ रहा है ये? तो ये मैटर आपको ध्यान पे रखना है अच्छे से, ठीक है। अब याद रखेंगे यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि भाई मियोसिस वन और मियोसिस टू दोनों होल्ड करते हैं, दोनों का कंप्लीशन किस पे डिपेंड है ये ध्यान रखना है आपको, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस किस में होता है, फर्टिलाइजेशन किस प्रोडक्ट ओजेनेसिस के किस प्रोडक्ट में फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, आपका आंसर होगा ओटिड, क्योंकि ओटिड में ही मेल और फीमेल न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं और जब तक ये दोनों प्रो न्यूक्लियाई फ्यूज ना करें तब तक हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट नहीं मानते।